मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई इस पत्रकार वार्ता को जीतू पटवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। इसे लेकर आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें विधायक और नेता प्रतिपक्ष शामिल थे, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम भी बनाया, जिसमें कन्या पूजन, मशाल जुलूस, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन जैसे कार्यक्रम शामिल है। पटवारी ने कहा कि इसमें कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि बाद सामाजिक मुद्दा है। अपराध करते हैं, जो क्राइम करता हुआ अपराधी है, वो दिन भर मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की गंदी फिल्में देखता है। कोई बच्चा बेरोजगार है तो नशा करता है, जब वो नशा करता है, अपराध करता है, तो पुलिस के इक्विपमेंट और व्यवस्था पूरी नहीं है, क्योंकि ये भी आंकड़े हैं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। महिला कांस्टेबल और अधिकारियों की 50% संख्या है, पुलिस भर्तियां होती ही नहीं है, PSC की सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हो ही नहीं रही है। पूरा स्टाफ 40% कम है, पुलिस विभाग का इक्विपमेंट कम है, संसाधन कम है, मध्य प्रदेश में सबसे निचले स्तर पर है, ये भी एक कारण है। फिर थर्ड, सरकार की नीति और नियत, काम करने का तरीका, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये सब बातें आते आरोप प्रत्यारोप। हमारा काम है सरकार को आईना दिखाएं, हम दिखाते रहते हैं अलग अलग तरीके से, पर इससे आगे जब सरकार असहाय हो जाए, निकम्मी हो जाए, उसके बस में कुछ नहीं बचे, तो फिर इस भारत का सम्मानित देशभक्त नागरिक, उसको भी जागना पड़ेगा, समाज को भी जागना पड़ेगा, राजनीतिक दल को भी जागना पड़ेगा, और ये अभियान उसकी एक कड़ी है।